पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में भी हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल देश के चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार चारों आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश में थे। अयोध्या में रेकी की भी जानकारी सामने आ रही है, तो वहीं दिल्ली यूपी उत्तराखंड में सुरक्षा के क्या इंतजाम है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे इस दिन के एन पहले हमारे सुरक्षा बल, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी दिल्ली पूरी तरह किले में तब्दील हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। गोरखपुर में हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। आगरा में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। प्रयागराज कानपुर में भी 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले के मद्देनजर जम्मू से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। बात लाल किले की करें या लखनऊ विधानसभा की, स्थानीय पुलिस के साथ साथ सेना के जवान, एनएसजी कमांडोज और पैरामिलिट्री फोर्सेज अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का कल संबोधन होना है। लाल किले जाने वाले सभी रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई है, साथ ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भी अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व दिल्ली में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई, क्योंकि इंटेल ये मिला है कि तमाम तरह जो आतंकी एजेंसियां हैं वो दिल्ली में हमला करना चाहती हैं। इसके मद्देनजर पूरे दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई है और हाई अलर्ट पर रखा गया। लखनऊ में हाल ही में अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम है। विधानसभा के आसपास वाले इलाकों में कमांडोज की सख्त तैनाती है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट किया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है और इस समय हम विधानसभा के ठीक सामने खड़े हैं, जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। गोरखपुर में भीड़ भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों के साथ बाजारों पर भी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर और सीएम आवास परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस समय हम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी यहां पर जाने वाले, दर्शन करने के लिए अंदर जाने वाले दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है और बगैर चेकिंग के किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। प्रयागराज में भी 15 अगस्त के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस टीमों को जगह जगह निगरानी करने की हिदायत दी गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और मंदिरों के साथ ही दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी खास एहतियात बरते जाने के निर्देश जारी किए गए। कानपुर आने जाने वाले सभी यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। कानपुर स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। हम आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। जो लोग यात्रा के लिए निकले हैं उनके बैग्स की चेकिंग की जा रही है, उनके बैग को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी धार्मिक स्थल, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जो भी हमारे बॉर्डर से एरियाज हैं, इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं और रेलवे स्टेशन है, सब जगहों पर लगातार कंटिन्यूअस 3-4 दिनों से चेकिंग की जा रही है और अब ये चेकिंग 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने के पहले ही उसे रोका जा सके।
हमारे जवानों का ये हौसला और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की ये मुस्तैदी है कि आजाद भारत के सभी नागरिक भयमुक्त माहौल में स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाएंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीजें स्पीड अप हो चुकी हैं और जमीन पे क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। हमारे चार सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से अविनाश हैं, देहरादून से रवि हैं, वाराणसी से नीतीश हैं और लखनऊ से विवेक हैं। दिल्ली से अविनाश का पहले रुक कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, सबसे ज्यादा पुख्ता व्यवस्था बंदोबस्त वहीं से शुरू होती है, किस तरीके की जानकारी? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो दिल्ली के जितने भी प्रमुख स्थान हैं, चाहे वो बाज़ार की बात करें, चाहे फिर वो तमाम सारे जो दिल्ली में प्राचीन जो स्थान है वहाँ पे बात करें, और इसके अलावा जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और CRPF के जवानों को भी तैनात किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी तैनात है। इसके अलावा अगर बात करें चांदनी चौक की, जहाँ पर लाल किला पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल लाल किला पहुंचकर और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करना है, उसके मद्देनजर पूरे चांदनी चौक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लाल किले के आसपास जो तमाम सुरक्षा घेरा है उसको 5 से 6 बैरिकेड में सुरक्षा घेरा किया गया। अगर बात करें तो SPG के जवान को वहाँ तैनात किया गया, आर्मी के जवान तैनात हैं। इसके अलावा अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। तो 7 चक्र का सुरक्षा घेरा बनाया गया है लाल किले के आसपास, और इसके अलावा लाल किले की तरफ जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं सबको बैरिकेड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बाकायदा छानबीन और पूछताछ के बाद लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। तो ये सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इंटेल भी मिला हुआ है कि दिल्ली के अंदर आतंकवादी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए ब्लास्ट कर सकते हैं, लिहाजा इसलिए भी चौकसी बरती जा रही है। जो बाहरी राज्य से वाहन दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं बाकायदा उनकी भी तलाशी ली जा रही है। जो सीमा पर तमाम सारे जो वाहन पहुंच रहे हैं उनको बाकायदा दिल्ली पुलिस चेक कर रही है, तभी दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे आउटर दिल्ली में एरिया हैं जहाँ पे कई सारे लोग वैध कागजात के साथ नहीं रहते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं शंका रहती है, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनकी भी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे कि किसी भी अनहोनी से दिल्ली के अंदर निपटा जा सके और कोई अगर गलत मंसूबा पाल रहा है तो उसको नाकामयाब किया जा सके। चांदनी चौक देखा जाए, ये भी मार्केट प्लेस है, वहां पर भीड़ भाड़ रहती है, कोरोना को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी या फिर आज चीजें स्मूथ चल रही? तो देखिए स्नेहलता, अगर आप बात करें तो आज चीज़ें वहाँ पे और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर ही लाल किला पड़ता है, मार्केट जरूर है वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे अभी तक वाहन मार्केट तक जाते थे और मार्केट से वाहन में जो लोडिंग होती थी और वहाँ पे माल उतारे जाते थे, तो उन सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। बाजार जरूर खुले हैं लेकिन लोग पैदल जा सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर उनके वाहन को रुकवाया जा रहा है चांदनी चौक में, केवल पैदल आप जा सकते हैं और बाकायदा तलाशी होने के बाद, छानबीन होने के बाद ही उसके बाद पैदल जा सकते हैं और मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। और शाम के बाद मार्केट भी बंद करा दी जाएगी और बाकायदा पूरे प्लेसेस को जो है डॉग स्क्वाड के तहत और बम स्क्वाड के तहत छानबीन किया जाएगा, जिससे कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण होना है लाल किले में वो बिल्कुल बिना किसी बाधित रूप से हो सके, और कोई भी सुरक्षा एजेंसी जो है चूक नहीं करना चाहती कि जिससे कि जो है गलत मंसूबे पाल रहे हैं उनको कामयाबी मिल सके। बिल्कुल, ये और अहम हो जाता है क्योंकि देखिए सैटरडे संडे शॉपिंग के लिए भी लोग ज्यादा निकलते हैं और सुरक्षा के मद्देनजर उनको भी जानकारी होनी चाहिए। आइए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जी विवेक, बताइए किस तरीके से कौन कौन से एरियाज को और इनपुट को लेकर किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? देखिए इसने लता, यहाँ पर पिछले महीने ही ATS ने अलकायदा के मॉड्यूल पकड़े गए थे और जिन्होंने चेतावनी दी थी, जिनका ये मंशा थी, जिनके इरादे थे कि लखनऊ में और प्रदेश के 5 अन्य जनपदों में, जिसमें कानपुर था, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और अयोध्या, ये ऐसे जनपद हैं जहाँ पर कोई बड़ी साजिश 15 अगस्त से पहले रची जा रही थी और ये ऐसी पूछताछ में ये इनपुट मिले थे। उसके बाद से सतर्कता यहाँ पर बढ़ाई गई है, लगातार सतर्क है यहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं, लोकल पुलिस है, उसके अलावा जो इंटेल एजेंसियाँ हैं वो सतर्क हैं, STF और ATS की टीमें भी यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। हर आने जाने वाले, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर बस अड्डे हो, वहाँ पर हर बाहर से जो भी आ रहा है, जो भी यहाँ से जाने वाला है, उस पर निगाह रखी जा रही है। जो होटल है यहाँ पर, धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ रुकने वालों के बारे में भी छानबीन की जा रही है कि कौन लोग हैं जो अभी तुरंत आए हैं, बाहर से आए हैं, प्रदेश के हैं या प्रदेश के बाहर से आए हैं, इन सब की छानबीन की जा रही है। तो जितनी सुरक्षा व्यवस्था जो पुख्ता की जा सकती है वो यहाँ पर सारे उपाय बरते जा रहे हैं। सुबह से ही जो पुलिस की टीमें हैं, एंटी सबोटाज टीमें हैं, बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, ये सब, इस सबसे VIP जहाँ हम खड़े हैं वो विधानसभा का एरिया है, लखनऊ का जो सबसे सेंसिटिव जोन है वो यहीं पर, राजभवन भी है जहाँ राज्यपाल रहती हैं, यहीं पर मुख्यमंत्री आवास है, तमाम मंत्रियों के आवास हैं,
और मुख्यमंत्री सचिवालय भी यहां पर है। तो सबसे सेंसिटिव जोन है इस पूरे जोन को, करीब 1 किलोमीटर का एरिया है, चारों तरफ से घेर दिया गया है, सारे रास्तों पर बैरिकेटिंग है। हालांकि मूवमेंट चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन शाम को 10 बजे, रात में 10 बजे के बाद यहां पर ट्रैफिक बंद हो जाएगा। और सुबह इसी स्थान पर, हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं विधान भवन है, यहां पर झंडारोहण होगा। झंडारोहण के बाद सामान्य यातायात इस रूट पर शुरू होगा। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर, विधानसभा के जो चारों तरफ का रास्ता है वो सीसीटीवी कैमरे से कवरेज किया गया है, उसको हर आने जाने पर यहाँ पर एक स्पेशल विवेक, क्योंकि देखिए आज से ही सैटरडे अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो लखनऊ में चहलकदमी भी आज के दिन ज्यादा बढ़ गई होगी। इससे पिछले हफ्ते की बात करें तब तो काफी सन्नाटा हुआ करता था, सैटरडे लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, अब तो आज से चहलकदमी भी शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल इसने लता, चूंकि सैटरडे, अभी तक सैटरडे को, शनिवार को लॉकडाउन लगा हुआ था और सारे मार्केट बंद थे, मूवमेंट भी लोगों का बंद था, लेकिन आज पहला दिन है जब ये घोषणा की है सीएम ने और आज से सब खुल गया है यहाँ पर। तो आज व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वीकेंड में लोग घरों से निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, मार्केट में खरीदारी करते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो ऐसे स्थान हैं, पार्क हैं, वहां पर लोग आते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आज मूवमेंट पिछले हफ्ते के बजाय, जो पिछले शनिवार हमने देखे हैं जिस तरह से लॉकडाउन में सन्नाटा रहता था, वहां पर आज ज़्यादा चहल पहल है। ये भी एक बड़ी चुनौती है, चूंकि आज ही 14 तारीख है और जिस तरह से आतंकियों ने एक थ्रेट दिया था, जो चेतावनी दी थी कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, तबाही की साजिश मचा सकते हैं, फैला सकते हैं यहाँ पर सरकार को हिलाने के लिए साजिश उन्होंने रची थी, उसको लेकर यहाँ पर सेंसिटिविटी बनी हुई है, संवेदनशीलता बनी हुई है। और अगर बात कर ले वाराणसी की, तो पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है, सांस्कृतिक राजधानी है, वहां पे भी सैटरडे अनलॉक के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाओं की भी फाइनल चेकिंग, जिसे कहते हैं नीतीश, अब सब कुछ सेट होता है, बस क्रॉस चेक करना होता है, ऐसी स्थिति होती है पूरे शहर में, क्या जानकारी है? निश्चित तौर पर अगर बात करें तो घाट से लेकर एयरपोर्ट तक चारों ओर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, हर ओर सुरक्षा का घेरा है। आपको बताएं इसने लता कि पहले काशी, इसके पहले भी आतंकी वारदातों का दंश झेल चुकी है, तो काशी में पहले से भी सुरक्षा टाइट रहती है, लेकिन जब मौका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का होता है तो यहां सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर खास तौर पर कमिश्नरेट भी अब यहां पर है, तो सुरक्षा की एक अलग व्यवस्था की गई है, अलग सुरक्षा का घेरा तैनात किया गया है। सुबह सुबह फुट पेट्रोलिंग, यहाँ जो पुलिस है वो लोगों से फुट पेट्रोलिंग करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। इसके साथ ही लगातार जो चाहे कैंट स्टेशन हो या फिर घाट को की ओर जाने वाला रास्ता हो या मंदिर जो प्रमुख मंदिर है वहाँ के बाहर पूरी तरह से सुरक्षा का घेरा तैनात किया गया है। खासतौर पर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो CISF के घेरे में पूरा एयरपोर्ट तब्दील है, पूरी तरह से सुरक्षा का घेरा वहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी काशी को सजाया जा रहा है और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारी की गई है। इस तरीके से 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर निगाहें टिकी हैं देश के वीरों की। आइए हम रुक कर लेते हैं देहरादून का और जानने की कोशिश करते हैं कि देहरादून में रवि, ये बताइए किस तरीके की तैयारी है? अब तो तैयारी पूरी होती है, हल्की सी नजर डालनी होती है, क्रॉस चेक करना होता है। बिल्कुल सुनीता, देखिए अगर यूपी के लिहाज से मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ये सुरक्षित और महफूज माना जाता है, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसी जगह हैं जो संवेदनशील हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं और बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर पुलिस की पूरा पहरा है और किसी भी तरीके की कोई आतंकी गतिविधि ना हो उसकी आशंका को देखते हुए पूरा पहरा लगाया गया है। मैं इस वक्त जो है मुख्य चौराहे घंटाघर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस के जवान आपको सड़कों पर नजर आएंगे और यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ, खासतौर पर जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, जो उत्तराखंड से बाहर की गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों पर ज़्यादा नजर रखी जा रही है। कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो इस तरीके की लग रही हैं कि संदिग्ध हो सकती हैं, उन पर भी जो चेकिंग चल रही है। तो ये पूरी जो चेकिंग का अभियान है ये लगातार देहरादून की सड़कों पर ऐसे ही पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इसके अलावा बॉर्डर्स रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद हैं। कल रात की अगर मैं बात करूं तो जो ढाबे हैं, जो होटल हैं, वहां पर कौन कौन यात्री ठहरा हुआ है, इसकी पूरी जो है डिटेल जो है पुलिस ने हर जगह जाकर ली है। और इसके साथ ही आज जो शाम का मोमेंट रहेगा वो पुलिस का पूरे शहर भर में रहेगा और इसके साथ ही जो संवेदनशील स्थान है वहां पर भी रहेगा। आज भी होटल, रेलवे स्टेशन, जो यात्री आ रहे हैं, जो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो संदिग्ध लगती हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। तो सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हैं,
पूरी ये कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से हर जगह इस व्यवस्था को बनाया जा सके ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि ना हो। बिल्कुल रवि, ये सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, कई लोगों का आना जाना होता है, ऐसे में ये चौकसी और बढ़ जाती है, डिटेल्स को रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आप सभी का शुक्रिया। जमीन